वेल हेलो गाइस, स्वागत आप सबका वॉचिंग न्यूज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस वीक निकल कर आई हॉलीवुड की सभी छोटी बड़ी अपडेट्स और रूमर्स के बारे में। इस वीक कोई ज्यादा खास बड़ी अपडेट्स तो निकल कर नहीं आई, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी अपडेट्स है जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए, जैसे की एंट्री ऑफ एक्समैन इन एमसीयू, ग्रीन गॉब्लिन इन स्पाइडरमैन होमकमिंग 3, स्नाइडर्स कट पीजी रेटिंग एंड फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो इन एमसीयू। इसलिए वीडियो काफी सारे स्पॉइलर से भरी होने वाली है, तो इन सभी अपडेट्स से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऐसे ही हर वीक की हॉलीवुड अपडेट्स से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉच टॉप 10 को और वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए इसी के साथ आज की न्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीयू से रिलेटेड अपडेट्स की, जो कि आज के इस वीडियो का मेजर पार्ट रहने वाली है, क्योंकि इस वीक सबसे ज्यादा अपडेट्स एंड रूमर्स एमसीयू से रिलेटेड ही निकल कर आए हैं। जिनमें सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग 3 से रिलेटेड अपडेट्स एंड रूमर्स की, जिनमें सबसे बड़ी रूमर निकल कर आई है विलियम डफो वाले ग्रीन गॉब्लिन की, जिन्हें स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग के दौरान एटलांटा में देखा गया है, जो कि मे बी हमें इस मूवी में दिख सकते हैं। इतना ही नहीं, स्पाइडरमैन 3 से थॉमस हेडन के सैंडमैन का कैरेक्टर भी हमें इस मूवी में देखने मिल सकता है। इससे पहले ओरिजिनल स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी से डॉक्टर ऑक्टोपस की कंफर्मेशन तो मूवी में हो ही गई है। एनकन ग्रीन गॉब्लिन और सैंडमैन वाली ये बात भी सच निकली तो मैं भी जल्दी हमें एक सिनिस्टर 6 मूवी भी देखने मिल सकती है। अगर आप सिनिस्टर 6 के बारे में नहीं जानते तो ये स्पाइडर वर्स की एक सुपर विलन्स की टीम है, जिनमें ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन, वल्चर और मिस्टीरियो जैसे स्पाइडी विलन्स शामिल है, जिनमें से वल्चर, मिस्टीरियो, डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो तो मूवी में कंफर्म ही है। एंड अगर ग्रीन गॉब्लिन एंड सैंडमैन वाली रूमर भी सच निकली तो हमें अपकमिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी में पूरी सिनिस्टर 6 टीम देखने मिल सकती है। उसके बाद एक और रूमर स्पाइडरमैन 3 मूवी से निकल कर आई है, जो कि है मूवी में पीटर पार्कर के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे जैकब पेटोलन से रिलेटेड, जिनके बारे में रूमर है कि वो इस मूवी में पीटर पार्कर के फ्रेंड के साथ साथ हॉबगॉब्लिन के कैरेक्टर में भी हमें नजर आ सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना वजन भी काफी घटाया है। हॉबगॉब्लिन को बेसिकली आप ग्रीन गॉब्लिन का एक लाइट वर्जन भी बोल सकते हैं, जिनमें मोस्टली सब कुछ सिमिलर ही है। इसके बाद बात करते हैं हाल ही में ट्रेंड कर रहे एमसीयू शो वंडर विजन से रिलेटेड अपडेट्स एंड रूमर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहली अपडेट है एंट्री ऑफ एक्समैन इन एमसीयू से रिलेटेड। वंडर विजन के 5th एपिसोड में जहां हमें क्विक सिल्वर वापस से देखने मिला, जिसे एमसीयू में हमने फॉर द लास्ट टाइम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस बार अवेंजर्स वाला नहीं बल्कि एक्समैन मूवीज में क्विक सिल्वर का रोल प्ले करने वाले इवान पीटर्स ने इस एपिसोड में क्विक सिल्वर का रोल प्ले किया है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मार्वल्स धीरे धीरे एक्समैन कैरेक्टर्स को भी एमसीयू में लाना चाह रहा है। इसका मतलब है कि जल्दी हमें एक न्यू वुल्वरीन एमसीयू में देखने मिल सकता है। इसके साथ वंडर विजन के सीरीज के मेन विलन के रिगार्डिंग भी एक रूमर निकल कर आई है, जो कि मे बी मेफिस्टो हो सकता है, क्योंकि मेफिस्टो से रिलेटेड काफी सारे ईस्टर एग्स हमें सीरीज में देखने मिलते हैं। अगर आप मेफिस्टो को भूल चुके हैं तो मेफिस्टो मार्वल कॉमिक्स का एक मेजर सुपर विलन है, जो कि हेल से रिलेट करता है एंड इसे लास्ट टाइम हमने घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस में देखा था। इसके साथ थॉर लव एंड थंडर की भी काफी लीक्स निकल कर आई है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। You know it's a knife or eye. They don't wanna walk, they don't wanna walk the plane. इस मूवी में हमें योंडू के साथ ही क्रेगलिन भी देखने मिलेंगे, जिनके पास योंडू की याका एरो हम साफ साफ देख सकते हैं। इसके साथ वकांडा बेस्ड एक सीरीज पर भी मार्वल्स की साइड से काम चल रहा है, जिसमें वकांडा को और भी डिटेल वे में एक्सप्लोर किया जाएगा। और ब्लैक पैंथर के मूवी के विलन किलमोंगा कैरेक्टर पर बेस्ड एक स्पिन ऑफ सीरीज पर भी मार्वल्स काम कर रहा है। साथ ही रॉन चेडल, जो कि एमसीयू में वॉर मशीन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अपकमिंग फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में वो भी हमें देखने मिलेंगे। एंड फाइनल अपडेट की बात करूं तो केविन फाइगी ने हाल ही में ये कंफर्म किया है कि जल्द ही डिज्नी प्लस पर हमें साउथ ईस्ट एशियन सुपर हीरो भी देखने मिल सकता है। अब इसकी कोई और डिटेल्स तो नहीं आई, लेकिन अगर उनका मतलब एक इंडियन सुपर हीरो से है तो मे बी वो चक्रा हो सकता है, जिसे क्रिएट किया था खुद स्टैनली ने एंड आगे चलकर वो अवेंजर्स टीम का एक मेंबर भी रह चुका है। आपको क्या लगता है वो कौन सा सुपर हीरो होगा, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए इसके बाद बात करते हैं डीसी रिलेटेड अपडेट की, जहां जस्टिस लीग को अपने वायलेंस के लिए आर रेटेड डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि स्नाइडर कट में हमें काफी खून खराबा देखने मिलने वाला है। साथ ही स्नाइडर ने अपनी जस्टिस लीग से जोकर का भी फर्स्ट लुक रिलीज किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद जस्टिस लीग में मार्शियन मैन हंटर का रोल प्ले करने वाले हैरी लेनिक्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए ये कहा है कि मार्शियन मैन हंटर जस्टिस लीग टीम का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसलिए कैरेक्टर एक सोलो मूवी तो डिजर्व करता ही है। एंड साथ ही उन्होंने जस्टिस लीग फैंस से
इस मूवी की स्टूडियो से डिमांड करने की रिक्वेस्ट भी की है। एंड अगर फैंस ने स्नाइडर कट की तरह ही इस मूवी के लिए भी वैसा ही जोश दिखाया तो होपफुली हमें फ्यूचर में मार्शियन मैनहंटर की एक सोलो मूवी भी देखने मिल सकती है। आपको क्या लगता है, मार्शियन मैनहंटर पर एक सोलो मूवी बननी चाहिए या नहीं, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद जेम्स गन की पीसमेकर सीरीज में नटली को जूडो मास्टर के रोल के लिए भी कास्ट किया गया है और डीसी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि शज़ाम 2 में हमें हेनरी कैविल वाला सुपरमैन नहीं देखने मिलेगा। एंड फाइनली जेम्स गन ने सुसाइड स्क्वाड से रिलेटेड एक इंटरव्यू में यह बात कही है कि उनकी इस मूवी में वॉर्नर ब्रदर्स ने किसी भी तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं की है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो डीसी यूनिवर्स का आने वाला फ्यूचर भी काफी ब्राइट होने वाला है। ये तो हो गए इस वीक की सारी मार्वल एंड डीसी रिलेटेड अपडेट्स। अब बात करते हैं बाकी बची मूवीज अपडेट्स के बारे में। तो रेसिडेंट एविल रिबूट की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है जो कि रिलीज होगी 3 सितंबर को। एंड जो इस मूवी के बारे में नहीं जानते तो ये मूवी रेसिडेंट एविल गेम सीरीज के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करेगी, जिसमें हमें रेसिडेंट एविल गेम्स के सभी मेजर कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, जैसे कि क्रिस रेडफील्ड, लियोन एस कैनेडी, जिल वैलेंटाइन, क्लेयर रेडफील्ड एंड एल्बर्ट वेस्कर। इसके बाद मैट्रिक्स 4 का टाइटल भी रिलीज कर दिया गया है जो कि होगा मैट्रिक्स रिसरेक्शंस। एंड इसके बाद मार्क फेलो एंड रियान रेनॉल्ड्स स्टार एडम प्रोजेक्ट के सेट से भी कुछ लीक्स निकल कर आई हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोविड-19 के चलते फैंटास्टिक बीट्स की शूटिंग को फिर से रोक दिया गया है। एंड CW ने भी अपनी काफी मेजर प्रोजेक्ट से न्यू सीजंस की भी अनाउंसमेंट की है, जिनमें रिवरडेल का सीजन 6 और डीसी यूनिवर्स के द फ्लैश, बैटवुमैन और लीजेंड्स ऑफ टुमारो के न्यू सीजन भी इस साल रिलीज किए जाएंगे। एंड बाकी बचे CW प्रोजेक्ट्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि इसी साल रिलीज किए जाएंगे। तो दोस्तों इस वीक निकल कर आए सभी अपडेट्स बस इतनी ही थी, जिसमें ज्यादातर तो रूमर्स ही निकल कर आए हैं। एंड इनमें कितनी सच्चाई है वो तो हमें जल्द पता चल ही जाएगा। वीडियो कैसी लगी और किस न्यूज के रिगार्डिंग आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हॉलीवुड मूवीज एंड सीरीज डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगर आप चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए बिना कहीं मत जाना। हम जल्द लौटेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।